आइयो जाए जब तक मुआवजा ना अथी करी लिख के ना दी तब तक ना हटे मारे वाला मार गए मारे वाला मार गए थाना में पैसा गिन के उ लोग ले ले रख लो आई कर लड़का बच्चा का करी छोटा बच्चा बा शराब और जानते ही है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, शराब पिएगा तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। बिहार में शराब बंदी के बावजूद एक बार फिर से जहरीली शराब का तांडव सामने आया है। आपको बता दें कि छपरा जिले के मसरक और इसवापुर से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहां जहरीली शराब पीने से अब तक 39 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बता दें कि इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने अधिकारियों से कहा है कि गरीबों को ना पकड़ें, जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें पकड़ें। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून से कई लोगों को फायदा हुआ है, कई लोगों ने शराब छोड़ भी दी है। आपको बता दें कि बिहार के छपरा शराबकांड ने अब पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। वहीं इस मामले में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बताते चलें कि जहरीली शराब से छपरा में अभी तक 39 लोगों की मृत्यु पर बोल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जहरीली शराब से तो लोग शुरू से मरते आ रहे हैं, जहरीली शराब से अन्य राज्यों में भी लोग मरते हैं। हालांकि लोगों को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जब बिहार में पूर्णतः शराब बंदी है तो खराब शराब मिलेगी ही, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। देखिए एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए शराब बंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसके बाद जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया, तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, शराब पिएगा तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। चलते ना पब्लिक।